कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अफसोसनाक और शर्मनाक बयान दिया कश्मीरी पंडितों को लेकर के। आंकड़े सरासर गलत उन्होंने रखे। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44। 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। अमित शाह जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस पर अटैक करते हुए करते रहिए, लेकिन झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई, ये वीपी सिंह के सरकार में हुई जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6,000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3,000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये आपका संकल्प था और ये एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी भाजपा ने नहीं दी, ये यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में अनाउंस किया और मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3 में ये मुद्दा उठाया है जो मनमोहन सिंह सरकार ने ये अनाउंस किया। और आप तो श्रेय लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि 6,000 कश्मीरी उन नौकरी याफ्ता लड़के लड़कियों के लिए आप फ्लैट बना के इसके साथ संकल्प। संकल्प ये है क्या? क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6,000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए अमित शाह जी, हमको पता है आपके फेलियर्स। आप एक फेल्ड गृह मंत्री हैं जो हर लेवल पे इतना झूठ कहेंगे। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार, आपने क्या दिया? 370 हटाया, आपने स्वागत किया और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। हम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई। आपने कानून बदला, आपने संविधान बदला, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? यही 6,000 प्लॉट फ्लैट बनाएंगे वहां, ये शर्म की बात है। और आप अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अलग नहीं है, कान खोल के सुन लीजिए। और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे। ये बहुत अफसोसनाक है, हमको बहुत खेद है, बहुत आहत किया है आपने।